महाभारत के कहानी हो। महाभारत लड़ाई समाप्त बा, राजा धर्मराज बन गए। अब तो वो उनका मन में चिंता बा कि हमारे वीर महावीर लोग इतना मरल बा महाभारत में, आत्मा सबके मरवल्ला के भटक रहल बा। करी तो का करी, वही वेद व्यास जी के लगे गई नहीं, कृष्ण भगवान आई नहीं, आ कोहनी के गो आप अपना दुआरी पर जग कीजिए, सबके नाम से पिंड दान कीजिए, आ उसके बाद जैसे नवोदी बाबू का भोज हुआ है ना, ऐसे को भोज कीजिए, जरूर मरवल्ला के आत्मा शांति हो। वही कन्हैया के मेन आदमी बना के धर्मराज जग के रचना कर दल है। कि मुनि है महात्मा के दुआरे बोलई रे, मरवल्ला के नाम से पिंड दान कोई रे। ए बबुआ हो, हर दुआरे पर भइल बा जूता नवारे, देखा कोई नहीं हाँ जो के रचा नवारे, देखा सुन ली। बड़ा बढ़िया कहानी बा, बड़ा मार्केबल कहानी हो। जब सबके नाम से पिंडदान हो गई, भोज जब चालू भइल, वही मेन गेट पर कृष्ण भगवान एगो घड़ी घंट टांग दिले, आ धर्मराज भैया से कहले बनी कि भैया आपका भोज पूरा होगा तो घंट अपने से तीन बार बजेगा। अब भोज के शुरुआत कर देनी, अभी देखा था नहीं, भोज चालू करे से पहले लोग काम बांटेला, आपका काम है भात चलाना, तोरा काम है तब सब्जी चलाना, आपका काम है दाल चलाना, तो कन्हैया सब के सब काम बांट देले। अंत में वो काम बच गए कि जब भोज लोग खा लेंगे तो जूठा पत्तल कौन उठाएगा। अभी वो देखा था नहीं कि जूठा उठावे के बेरी में लोग हट जाला, लेकिन कृष्ण भगवान उघरी कहनी कि आप लोग अपना काम कीजिए, लेकिन जितना लोग खा लेंगे उसका जूठा मैं उठाऊंगा। दुनिया में सबसे बर्भागी होता है जो पंच नाम परमेश्वर का जूठा उठाता है। तो भोज चालू बा, लोग आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, और कन्हैया का कहनी कान्हा जी हो सब आईले खाई कर गईले, लोग सब आईले रे खाईले, कान्हा जी झूठा बाबू खाईले। दरोगा बाबू के लिए पुरस्कार बा, स्वागत बा दरोगा बाबू के। कृष्ण भगवान खुद जूठा उठावत नहीं, चचाई हमरा सके संदेश दिनी है, जहां भी कोई के भोज में जइयो, कोई काम मिल जाए,
उस सब के अपना मान के भोज करी हो, भोजी के भोज ना होला जखनी से पंच के हाथ में समर्पण कर दिले तखनी से भोज आपका गांव का समाज का हो गया बाबू। तो पंच नाम परमेश्वर का खियाने पियाने में कोई शिकायत नहीं है बबुआ, जो पंच नाम परमेश्वर को खियाते हैं पियाते हैं जूठा उठाते हैं उससे बर्भागी दुनिया में कोई है नहीं। भोज समाप्त हो गई लेकिन घंटवा ना बजो, अब धर्मराज के लिए कन्हैया घंट नहीं बजा। कृष्ण भगवान कहनी के अभी एक आदमी खाना खेनी बचा है कौन, वो नहीं खाएगा तो घंट नहीं बजेगा। कल के बा तो जे जात कहे डोम जिसका नाम है सुपन, सुपन खाएगा तब घंट बजेगा। कल के बोलावो सुपन के तो धर्मराज कहे कि दूसरा के का भेजी अपने के भेजो, अपन भाई छोट सहदेव से कहे कि जाओ बुलाओ। अब सहदेव राजा के भाई घमंड में कहे कि हम एगो डोम के बोलबे जाई कि भाई का देश मान के जाता आ जाके लागल रे तू करेगा रे सुपन, अरे चल तोरा बिना भोज हमर रुकल बा, अरे सुपन रे चल। देखिए हिजे भगवान सब के घमंड तोरतनी अपना दुआरी पर खियाने के लिए सबको मान दीजिए प्रतिष्ठा दीजिए, लेकिन ये रे तो करे लागल कन्हैया जाता तनी सुपन जी कहने की मालिक चले हमर बगल में खराव हो तनी खराव में हमरा एने सेने को दी। सहदेव देखले कि खराव में तो हल्लास से मारम ते बिगा जाई लात के जोर लगा देले कि खराव ना हिलल, जब लात से खराव ना हिलल तो सुपन के खराव में सहदेव जी हाथ लगा देले। चाचा जी जोर लगावे खराव उठबे ना करे, कन्हैया के जांच बा खराव ना उठे, सहदेव फिर जोर लगावे हरे खराव मान उठल रामा उठे के तो बात अलग बा, हरे तिलो भर ना डोलल रामा। सहदेव हाँ फे हुकुर हुकुर ताके टुकुर सहदेव हाँ फे हुकुर हुकुर ताके टुकुर टुकुर आ जाके झूठ बोल ले लेकिन ना आइल बा, तब नकुल के भेजे दिया बुलावे खातिर। नकुल आउर गुस्सा में जाके रेतु करे लागल, नकुल के लाठी उठावे के कहनी ओकरो से लाठी ना हिलल, ओहो कहले कि भैया ना आई। तब गांडीव धारी अर्जुन के कहले कि भाई जाओ बुलाओ सुपन के जाओ। अर्जुन देखले कि हम इतना बड़का बलवान वीर आउ को डोम के बोलबे जाई ई आउ जाके रेतु करे लागल भैया जी, एहिजा कमंडल उठावे कहनी हा अर्जुन जी के। अर्जुन पूरा जोर लगा देले कि कमंडल टस से मस ना भई, कमंडल हिले के तो बात अलग उठबो ना कहल बबुआ हो। तब भीम के कहले कि भीम तू जा, भीम तो अलगे गोसाहल देवता कहले कि हम जाई। हाय 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 तरवा के लोहर देखा चढ़ गई ले पारे बबुआ, तरवा के लोहर देखा चढ़ गई ले पारे बबुआ। दू महाभारत के कहानी हो, एक महाभारत बतावा था कि भीम के झोला उठावे के कहानी है, एक जगह लिखल कि ना जोन माला का जाप करत रहले कहले कि तनी मलवा उठा के ला दी, भीम पूरा अपना जोर लगा दे कि माला ना टस से मस हिलबू ना कही। चार चार भाई चल गए तब तो धर्मराज समझ गए कि दाल में काला है, वही धर्मराज। चार भाई घमंड से जात रहे लेकिन धर्मराज के आंख से लूर गिरे लागल, कन्हैया को तन की घंट नहीं बजेगा तो आपका भोज पूरा नहीं होगा, सुपन का खाना जरूरी है। तो चार भाई गुस्सा के जात रहे घमंड में लेकिन धर्मराज हरे अखिया में लोरवर लेके चले ला रा जानवर
सुपन भगत के दारा बारा चलले सुपन के दुआरे चार भाई रे रे कहत रहे लेकिन आज एक महाराजा एक डोम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। सुपन जी आप चली भोजन करी आदि हमार भाई लोग गलती कर दले तो माफ कर दी भोजन कर लो गलती के माफ कर दो आ सुना ना बिनती या हो आ चला प्रभु हमारे दुआर के लिखनी रन जीता हो गुरुजी ए हो किराता नाम हो लिखनी राम दयाल हो कवि जी ए हो कीरा ताना हो आगा के कहे विपुल कुमार ए बाबू हो वही सुपन जी अपने से लाठी अपने से खराओ अपने से कमांडर लेके तैयारी हो गई नी चाचा अपना दुआरी पर खियाबे के बा आ कोई कहे कि गोर धरब तो खाए ऐसा प्रमाण बताता है कि गोर धरकर भी अपना भोजन खियाना चाहिए। सुपन जी अपने से तैयारी बनी बबुआ हो कि कमर में धोती अरे पहनले माथे पहनले पगड़िया रे कि जान रे माथे पहनले पगड़िया रे जान कि जान रे आ चले सुपन जी राजा के दुआरिया रे जान जान रे चले सुपन जी राजा के दुआरिया रे जान जब सुपन के लेके आई नी तो बड़का बड़का पंडित महात्मा हंसे लागल कि राजा पगला गइल ई कह तो सुपना खाई तो घंट बजे हम इतना बड़का महात्मा है भोजन किए घंट नहीं बजा। सुपन जी बैठ गेले खाए खातिर कि आगू में परसाई रे गइले आ भोजन वाला थरिया रे जान कि जान रे भोजन वाला थरिया रे 56 प्रकार के व्यंजन बनल है बाबू। अब सुपन जी देखा था नी कि पहले पुरिया खाते हैं तो रसगुल्वा के दुख हो जाएगा पहले रसगुल्वा खाते हैं तो जिलेबिया के दुख हो जाएगा क्या करें तो हमसे से गाय भैंसी के सूचना देला सौ ना एक में सब के सुपन जी मिला देले आ जैसे एक कोर मरले एक बार घन दू कोर मरले कि घन आ तीसरा कोर मार ही वाला रहे कि द्रौपदी के बर्दाश्त ना भई द्रौपदी के हंसा गेल भैया जी द्रौपदी हंस देले कि जाय सुपन तू जात के लक्षण दिखाइए देला तर का मालूम कि रसगुल्ला के स्वाद का है जिलेबी के स्वाद का है कि जान रे हरे गा के कहे बीपु लबी हरिया रे वही जे कन्हैया कहनी के हे धर्मराज भैया दुआरी पर द्रौपदी बेइज्जती कैली हा ऐसे भोजन ना करी है अब पांचों भाई पांडव सहित द्रौपदी चरण में गिरा माफी मांगो तब भोजन करी है वही सब चरण में गिरनी हा माफी मांगली हा भोजन कैली ओहे घड़ी कृष्ण भगवान के चरण में सुपन जी गिर गए कि मालिक ये सब आपका देन है वही घनी कृष्ण भगवान वरदान दे कि जा सुपन हम वरदान देता नहीं कोई भी श्राद्ध के भोज होई तू तब तू हो जब तक तोहर जात भोजन ना करी उस श्राद्ध का भोज पूरा ना हो। अभी जो हम सब श्राद्ध में डोम राजा को बुलाते हैं भोजन कराते हैं क्यों वही कन्हैया के वरदान है।